ऐसा टेस्टी सेवई उपमा बनाने के लिए मेरे वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, जेएस किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज बनाऊंगी सेवई उपमा। उपमा बनाने के लिए पहले मैंने लिया है 2 कप सेवई। सेवई को फ्राई करना है थोड़ा सा। आप मार्केट में रोस्टेड सेवई मिलता है, उससे भी बना सकते हो। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। अब इसमें मैं डालूंगी सेवई। अब इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। तीन मिनट बाद सेवई जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं उसी कढ़ाई में डालूँगी 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच सरसों और इसमें डालूंगी 3-4 करी पत्ता, 3 हरी मिर्ची, 2 प्याज जिसको मैंने बारीकी से काट के लिया है, 1 प्याज। प्याज को ब्राउन कलर होने तक उसको फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी 2 टमाटर। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। टमाटर फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी गाजर। मैंने 1 गाजर लिया है और डालूंगी थोड़ा सा बीन्स। मैंने इतना ही सब्जी लिया है, आप आपके पसंद के हिसाब से कुछ भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है। सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी सेवई जिसको मैंने पहले से फ्राई करके रखी थी। इसको सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। 2 कप सेवई लिया है मैंने, उसके लिए मुझे चाहिए 3 कप पानी। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच चीनी। अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाना है। ये बहुत ही कम टाइम पे बन के रेडी हो जाता है। आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट बाद देखिए मेरा उपमा जो है बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सा बना है ये। ये बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, और बच्चों को टिफ़िन में भी आप बना के ये दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मेरा उपमा बन के रेडी हो चुका है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।